हाय फ्रेंड्स वेलकम टू हाको किचन ना उंगल गीता गोपीनाथ इनकी नम्बर रेसिपी पाती वाईपूल सांबार एपी पड़ना अब पी पाको वीडियो को ना और वाईपूर इतल ना पाता यूस पड़े ऐसा नरिया फेम्लना नहीं पूकूट यूस पड़ी के नल्को वाईपूल वे ना वेटटी से ना इनकी वो सांबार मट से इत वो रोम हेल्तियान वाईपूल पाती लेयर वो लेयर एड़ा नाम वो कुछ वेले अधिक वर्कना नहीं मोदे वह प्रिपेर ना सीक्रम का ब्रेकफास्ट से टिफन लंच करेक्टा सो इतमी ले तनिया एटेटी पाती मेल मेलिसा इतर नरबर इतमी नरब मारी मटें मत ये अरब मटे इतमी तनि तनिया वचिड़ें अड़े पड़ला अरब मटे अल अले मारी पाती आना ना वो सांबार ना अब एड़े अूव मट सेक नान अरब वो एमेंडकूड़ा या सापोद अब वो नल्का और मारे कुछ मारि अच्छी पाया कट पड़ी नम्बर सांबार सेतको इे वीन ना पोसा एला कट पड़नों नीलमकल आना नीलम पटा रोम सापड़क वह कुछ कष्ट कट पड़ी पटकें सो इत वे ना तेवान अल्वक नहीं एवलो वीटक देवयो अंदर वो क्लीन पड़ी वो अंत सावान परप वे ना और टम्लर एर वंगयम तक नालू पच मिग अंजु पू अल्वक तं व ना परप वेग वेक और मूणु विसिल वेको सो अ परप वेग्र समय नाम और पेस्ट रेडी पड़ो ना और मूणु टी स्पून अल्वकें तिरगण मूणु टी स्पून एंग ना इतमी सूंक और हाफ टी स्पून वह पेरीजी सेतक और हाफ टी स्पून वो जीरा सेतक और चिना सईस पुल से अरे इतनी ना वो वाईपूव इतमी कट पड़ी ना तनी ऊती वे तनी ऊती वेना अब करपाई तनी ऊती वे ना पेस्ट रेडी पड़ी वजचरें परप पापम परप ना कुछ तनिया विकटे लाइटा मसिच्चु विडुंग ना मसिच्चु वेरे पात्रत्तुल एडुत्तु वेच्चुकोंगा इप्पो इदु तालिक्क ओरु पैन एडुत्तुकोंग पैन नल्ला सूडानदुम் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆயில் விட்டுக்கங்க ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வந்து கடுகு சேர்த்துக்கங்க 2 வரமிளகாய் சேர்த்துக்கங்க காயை ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கங்க சேர்த்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா வாழைப்பூ அதையும் வந்துட்டு இதுக்குள்ள சேர்த்துட்டு லைட்டா வணக்கி விடுங்க अंदे लाइट अभी वनक ना परप तर टम्लर अदक सेक सेटेटे मिनट अब कुटो इतकूट वह हाफ टी स्पून मंज तू सेक और टी स्पून वह सांबार तू सेक से ना मिक्स पड़ी विड़ेंद नम्ब मसिच परप आड पड़ी पेस्ट पेस्ट आड पड़ो इतक तुम्हें देवयो अंदर से कुकान अल्वक उप सेक से ना मिक्स पड़ी विटेट और 5 मिनट्स अब कुटो
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு சூப்பராக கொதிஞ்சிருச்சு. நல்ல வாசமாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான வாழைப்பூ சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. ஸோ இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.